एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, एक सवाल बहुत सारे भाई लोगों का बहुत ज्यादा आ रहा है, ये जो ड्राइवर की जॉब होती है, क्या इसमें सैलरी कितना मिलता है, काम होता है और क्या क्या करना पड़ता है, खाना जो है कि बनाना पड़ता है, ड्यूटी कितना होती है। तो ये सारी चीजें बहुत सारे भाई लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। भाई, वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि ड्राइवर के काम में आने के बाद आपको सैलरी कितना, नए पहली बार आते हैं तो कितना मिलता है और आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की वीडियो ड्राइवर से रिलेटेड, क्वेर से रिलेटेड हमेशा मिलती रहेगी और वीजा से रिलेटेड। साथ ही साथ आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक पड़ा है। चलिए बात करते हैं ड्राइवर के जॉब में आने वाले की सैलरी। पहला चीज, सबसे पहला चीज यही होता है, देखिये करें तो नए लोग जो आते हैं, पहली बार आते हैं, उनको जो है बोल के लाया जाता है 90 से 100 KD, लेकिन उतना मिलता नहीं है। 100 में से समझ लीजिए 50% को जो है कि वो 10-5 कम करके मिलता है और बहुत ही कम ही लोगों को जो है कि पूरा सैलरी मिलता है। अगर जो आपने एग्रीमेंट करवा के एग्रीमेंट पेपर लिया है तब तो आपको पूरा मिलेगा जो आपको बोला गया है, नहीं तो यहाँ पे मैं जानता हूँ, जो सुनता हूँ वो लोग यही बोलते हैं, भाई मेरे को बोल के लाया था 100 KD दे रहा है 80 KD, चाहे 90 बोल के लाया था दे रहा है 80 KD। अब बात करते हैं, देखिए मैं आएंगे तो आपको गाड़ी भी चलानी पड़ेगी और फैमिली छोटी है तब तो आपकी बल्ले बल्ले नहीं। अगर जो बड़ी है, मान लीजिए 4 भाई 5 भाई हैं, बड़ा घर है तो सभी का ड्यूटी आएगा, 8 नहीं 10 नहीं जितने भी वहाँ गाड़ियां हैं आपको धुलना पड़ेगा। मान लीजिए बच्चों की स्कूल लेके गए आप छोड़ने, बच्चों को छोड़ के आएंगे तो आपको मैडम बोलेगी चालू कर गाड़ी, उसको ले जाके स्कूल चाहे जहां भी छोड़ना होगा छोड़ेंगे, फिर उसको लेके आएंगे, दूसरे वाले की बीबी बोलेगी मेरे को जाना है, उसको भी लेके जाना पड़ेगा। मतलब जितने भी लोग कहेंगे उनको आप खाली रहे ना रहे, आपको फोन करेंगे आप खाली रहते हैं तो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद अगर जो बच्चे भी आपको बोलते हैं कि मेरे को दुकान जाना है, ये खरीदना है वो खरीदना है, वहां भी आपको लेके जाना पड़ेगा। किसी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं टाइमिंग की। इसमें टाइमिंग का कोई लिमिट नहीं होता है, हर काम में हर कंपनी में आपको जो है कि टाइम होता है फिक्स कि इतने बजे से इतने बजे तक आपको 8 घंटा चाहे 10 घंटा चाहे 12 घंटा ड्यूटी करनी है, उसके बाद आपको नहीं। लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं है, आपको सुबह उठे जब भी इनका काम होगा तब भी सुबह दोपहर शाम रात कभी भी 24 घंटा में कभी भी इनको जैसे जरूरत पड़ेगी आपको फोन करेंगे तो आपको इनको लेके जाना पड़ेगा। ये सारी सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ, मैं ड्राइवर हूँ आपको पता है मेरे साथ हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जितनी घर में गाड़ियां हैं वो आपको ही धुलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि वो जो है कि आपको बोलेंगे कि ले जाए इसको धुलवा के ले, नहीं आपको ही धुलनी पड़ेगी। और ज्यादातर घर ऐसे हैं कि आपको डेली थोड़ा सा गंदा हुआ एक दिन छोड़ के किसी किसी को तो डेली धुलना पड़ता है, वो चाहे 2 गाड़ी हो चाहे 10 गाड़ी हो आपको ही धुलना है। आप सुबह में धोइए शाम को धोइए, उनको धुलना ही धुलना है आपको, ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं खाने की। खाना देखिए, कुवैत में ज्यादातर खाना घर से बना बनाया मिलता है, अगर जो नहीं मिलता है तो ये सब काम करने के बाद आपको टाइम निकाल के खाना भी बनाना पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा, कपड़ा भी अपना खुद धुलना पड़ेगा, रूम अपना खुद साफ करना पड़ेगा। यहाँ ये सारी चीजें तो नॉर्मल चीज है, रूम साफ करना, खाना खाना, खाना बनाना हर देश में होता है, लेकिन ये जो बाकी चीजें बताया हूँ इसके अलावा गाड़ी धुलना, आपको ड्यूटी, ये सारी चीजें आपको जो है कि खुद करना पड़ेगा। और एक एक आदमी का अपना, ये नहीं है कि आप आए हैं अगर जो एक कपिल है आपका तो सिर्फ उसी की बीबी उसी के बच्चे को लेके जाना, नहीं उसके भाई, कुवैत में ज्वाइंट फैमिली रहती है अक्सर, मैंने यहाँ देखा है ज्वाइंट फैमिली रहती है और बड़ी बड़ी फैमिली रहती है, यहाँ घर भी बहुत बड़े होते हैं, एक घर में करीब करीब 10-15-12 उससे ज्यादा ही गाड़ियां होती है, तो सब गाड़ियों को किसी किसी को डेली धुलना होता है, किसी को 2 दिन पे और किसी को हफ्ते में एक बार, तो धुलना ही धुलना है आपको। एक गाड़ी में कम से कम धुलने में नॉर्मल तरीके से अगर जो आपको आइडिया पता है तब तो आप 15 से 20 मिनट में धुल लेंगे, नहीं पता है तो एक गाड़ी में कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा अच्छे से धुलने में, और जो जानते हैं उनको 15 से 20 मिनट लगता है, तो इस हिसाब से रेशियो लगा लीजिए।
उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि सैलरी आपको टाइम से नहीं देते स्टार्टिंग में, आपको जो है कि मोबाइल का खर्चा अपने उठाना पड़ता है। बहुत कम ही लोग हैं जो कि मोबाइल का खर्चा देते हैं, नहीं तो ज्यादातर अपने खुद रिचार्ज करवाना पड़ेगा आपको अपने सैलरी से। यहाँ रिचार्ज भी महीने का 5 KD आता है, एक महीने में 5 KD का रिचार्ज आता है आपको इंडिया बात करने के लिए, चाहे व्हाट्सएप चाहे ईमो जो भी हो चलाने के लिए, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद एक चीज और है कि आप यहाँ पे अपने रूम में किसी बाहरी को नहीं बुला सकते। रूम का आपका बाउंडेशन है, आप अपने दोस्त यार को नहीं बुला सकते, अगर जो देख लेंगे सब तो उसके लिए अलग। ये ज्यादातर रूम अंदर ही होता है घर के, तो उसमें आपको अलाउ नहीं है, नहीं बुला सकते। और आप यहाँ पे महीने में, आपको बता दूं छुट्टी की बात करें तो आपको महीने में ड्राइवर की ओबी, जब आपका सिविल आईडी लाइसेंस बन जाएगा 2-3 महीने बाद 4 महीने बाद, तब आपको छुट्टी 1 महीने में 1 बार छुट्टी मिलता है। बस आप कहीं भी जा सकते हैं सुबह से लेके, मतलब उस दिन पूरा आपको रात में सुबह 6 बजे से लगाए और रात तक जो है कि आपको फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं गाड़ी लेकर के नहीं, आप अपने भाड़े से अपने पैसे से कहीं भी घूम सकते हैं कुवैत में। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप कहीं भी जा सकते हैं गाड़ी लेकर। बहुत सारे हैं जो कि गाड़ी भी नहीं देते हैं, लेकिन उसमें एक रिस्क होता है कि आप गाड़ी लेके जाएंगे तो आपको देखना होता है और कहीं लड़े भिड़े तो आप जिम्मेदार हैं। उसके बाद एक चीज और होता है कि जो कहीं ग्रामा वगैरह आ गया तो आप ही जिम्मेदार है। और एक चीज और ये भी होता है कि आप गाड़ी लेके गए हैं तो कभी कभी इनको क्या होता है, जरूरत पड़ती है तो फोन भी कर देते हैं कि तू आ जा, रहने दे, अगली बार अगले महीने हम छुट्टी जाना, अभी आ जा, बहुत जरूरी काम है। हालांकि काम इतना जरूरी नहीं होता है, फिर भी बुला लेते हैं सब। ये सारी चीजें। इसके बाद एक चीज और है कि आपको महीने में साल में 2 साल में 1 बार छुट्टी मिलता है। हालांकि आप बहुत सारे ड्राइवर हैं जो 1 साल में भी जाते हैं, लेकिन ये पहली बार आने वाले को 1 साल में छुट्टी नहीं देते हैं, 2 साल में ही देते हैं। अगर जो आपको जाना भी है तो आप जा सकते हैं, अच्छा फैमिली है तो, लेकिन टिकट आपको ही लगाना पड़ता है। बहुत कम है जो आपको टिकट देते हैं 1 साल पे जाने पे, नहीं तो ये 2 साल में आपका 2 टिकट होता है आने जाने का, आने का भी और जाने का भी। तो ये चीजें होती है। और आपको छुट्टी यहाँ मदरसा बंद होने के, अगर जो आप ड्राइवर हैं आपके घर में बच्चे हैं सिर्फ स्कूल जाते हैं, तो आपको छुट्टी तभी मिलेगा जब स्कूल बंद हो जाएगा। रमजान के 3 महीने का छुट्टी 4 महीने का छुट्टी उसी समय मिलेगा। बाकी वैसे अगर जो आपकी मैडम, अगर जो सिर्फ लेडीज लोग हैं, आप उनको कहीं छोड़ते हैं इधर उधर स्कूल में चाहे हॉस्पिटल में, कहीं और जॉब करती हैं, तो आप बीच में भी जा सकते हैं। ज्यादातर जितने भी ड्राइवर हैं उनको मदरसा बंद होने के बाद ही छुट्टी मिलता है, क्योंकि उसी समय स्कूल बंद होते हैं और इनका भी ड्यूटी कम होता है, तो उसी समय आपको छुट्टी देते हैं सब। ये लोग बाहर चले जाते हैं कुवैत से बाहर, सऊदी, दुबई या फिर लंदन कहीं घूमने चले जाते हैं, तब उस समय आपको भी छुट्टी दे देते हैं कि हाँ आ जाओ। उस समय आपको दोनों टिकट, अभी तो ये हो गया है कि आपको सिंगल टिकट देंगे, यहाँ से सिर्फ जाने का टिकट देंगे, वहां से आप खुद लगा के आइए, आने के बाद आपको यहाँ पे टिकट देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते थे टिकट लेकर के, और रिफंडेबल टिकट होता था, इंडिया में जाकर नहीं आना उसको तो वापस करके पैसा ले लेते थे। इसके लिए इन्होंने बोल दिया, अभी सब ज्यादातर वही होता है कि आपको सिंगल टिकट इधर से बोलेंगे जा, उधर से टिकट लगा के आ, या फिर आपको आने का मन करेगा जब लास्ट में हाँ मुझे आना है तो ये आपको टिकट भेज देंगे, आप आ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है। बाकी आपको अगर जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो आप, ऐसी बात नहीं है कि आप कहीं घूम सकते हैं, अगल बगल टहल सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं। और यहाँ पे सऊदी और दुबई की तरह जो है कि यहाँ दुकानें नहीं होती है, यहाँ पे एक गांव होता है, एक गांव में 5 से 6 ब्लॉक होता है। जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ 5 ब्लॉक है। अब हर एक ब्लॉक में जो है कि आपको एक छोटा सा चौराहा मिलेगा, 4 दुकानें होती हैं, जहाँ पे आपको जो है कि एक नाई की दुकान, एक प्रेस करने की दुकान और एक फास्ट फूड जहाँ बर्गर वगैरह मिलता है, और एक बकाला यानी ग्रोसरी स्टोर जहाँ पे आपको सर्फ, तेल, साबुन ये सारी चीजें मिलती हैं, खाने पीने की चीजें। ये 4 दुकानें होती है हर एक ब्लॉक में, ठीक है। और उसको बोलते हैं फारा जमैया। और पूरे एक एरिए में, पूरा एक गांव जो होता है वहां पे एक बड़ा जमैया होता है, जमैया सुपरमार्केट को बोलते हैं, एक बड़ा जमैया होता है जहां पे आपको हर दुकानें मिलती हैं, कपड़ा धुलने का, चप्पल जूता, हॉस्पिटल, इस तरह के हर चीज होते हैं वहां पे अवेलेबल होते हैं, होटल होता है, गैस मिलता है। तो ये सारी चीजें आप आएंगे तो आपको पता चलेगा। ये छोटी सी जानकारी थी, बहुत सारे भाई लोग पूछ रहे थे भाई नया आने पे कितना सैलरी मिलता है, तो भाई 90 से जो है कि आपको 80, 90, 100 यही 3 चीज मिलता है। उसमें भी आप अगर जो नया है एग्रीमेंट नहीं किया है तो ये आने के बाद देखते हैं कि अरे इसको तो जो भी देंगे वो रख लेगा, तो ज्यादातर कम ही देते हैं सब। क्योंकि एक बंदा अभी आया कुछ दिन पहले,
उसकी सैलरी 90 KD थी, उसको मिल रहा है 80 KD। क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है आपको पता है, तो मेरे इंस्टाग्राम पे लोग इतने ज्यादा मैसेज करते हैं, भाई हम आ गए हैं, मेरी सैलरी नहीं दे रहा, क्या करें क्या करें। तो इस तरह की जो है कि परेशानियां सुनने को मिलती है अक्सर। आप बाकी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, काम अच्छा होता है, पैसा आपको जो है कि आप 80 भी पाएंगे तो तकरीबन इंडिया का 21-22 हजार रुपया बनेगा, और जो 90 पाते हैं तो 23-24 हजार रुपया बनेगा। तो आपको पहले एक साल तक यही मिलेगा, उसके बाद एक साल के बाद ये लोग बढ़ाते हैं 10 KD, फिर दूसरे साल बाद 10 KD, इसी तरह जो है कि बढ़ाते हैं। नहीं, ज्यादातर लोग, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि एक चक्कर आप जब काट के आएंगे, जैसे एक चक्कर आ गए, दो साल रहे, फिर गए आते हैं तब 10 KD बढ़ाते हैं। तो बस यही था वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे आए हैं नहीं पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की वीडियो जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक पे, तब तक के बाय बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए।